इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें मास्क की हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। घटना सेक्टर 17 बाईपास रोड की है जहां पर क्षेत्र मीट की दुकान में मास्क मिलने की सूचना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। गौरक्षा सेवा वाहिनी के चेयरमैन अशोक बाबा के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास रोड पर स्थित मीट की दुकान में गाय के मांस को लाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस के साथ जब मौके पर पहुंचे तो यहां भारी मात्रा में मांस मिला, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया। अशोक बाबा ने बताया कि इस मांस को आरोपी फरीदाबाद के फतेहपुर तगा से लाकर यहाँ दुकान का शटर बंद कर चोरी चोरी ही बेच रहा था। गोरक्षा युवा वाहिनी ट्रस्ट चेयरमैन हूँ। मेरे को मुखबर खास से सूचना मिली थी, इस दुकान के अंदर बंद शटर के अंदर कुछ लोग गाय का मांस बड़े पीसों को छोटे पीसों में कन्वर्ट करके उन्हें पैकिंग में बेच रहे हैं। हाँ जी, गाय का मांस है ये। कितनी मात्रा में, कहाँ से लिखा है? ये पीछे फतेहपुर तगा का है ये दुकान वाला, और फतेहपुर तगा से ही मांस को ये लेकर आ रहा है, पीछे से अपना जिस तरीके से भी लेके आते हैं। हमें सूचना मिली थी एक सेंट्रो गाड़ी मेटालिक से कलर की, हल्के हल्के मेटालिक से कलर की जो साइड में खड़ी है, उस गाड़ी के अंदर इनका मांस आया है और वो गाड़ी साइड में खड़ी है, उसमें खून के धब्बे भी लग रहे हैं। हाँ जी, तो क्या पुलिस को सूचना दी है, क्या कार्रवाई? पुलिस को सूचना दे दी है, डॉक्टर की टीम आ गई है और डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गौरक्षा युवा वाहिनी के अध्यक्ष अशोक बाबा द्वारा सेक्टर 17 बाईपास रोड पर मीट की दुकान में शटर बंद कर गाय का मीट बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके से टीम को कब्जे में लेकर वेटरनरी डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले ही भागने में कामयाब हो गया था। अपने अशोक बाबा है गौरक्षा के युवा वाहिनी के प्रधान है, इन्होंने सूचना दी थाने में, टेलीफोन करके बताया बोले गौ का मीट कुछ लोग यहाँ बेच रहे हैं दुकान पर, यहाँ पर आए हैं, देखा है, चेक किया है तो उसमें मीट है। डॉक्टर साहब को बुलाया है पशु अस्पताल से, उन्होंने भी चेक किया है, अब इनको सैंपल भेज कर इस भेजा जा रहा है लेबोरेटरी में, इसके परीक्षण के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी, अगर मीट का जिस भी पशु का है उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और फिलहाल FIR लो दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद में जैसा होगा आरोपियों के खिलाफ सबूत गुजरेंगे उसी हिसाब से सबको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करके मुकदमे को रिएक्शन किया जाए। अंदाजा यही, अभी मीट को वेट तो किया नहीं है, 100 किलो के 80-90-100 किलो के लगभग। बात की जाए कौन से एरिया की बात है, कौन सा सेक्टर लगता है? सेक्टर 18 के पास में झुग्गियाँ हैं, बाईपास झुग्गियाँ, सेक्टर 18 ओल्ड फरीदाबाद। तो भारी मात्रा में मीट बरामद हुआ लॉकडाउन के दौरान? इतनी भारा में मीट, इसकी जो सूचना मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अगर बरामद है जिसमें ब्लड वगैरह लग रहा है, क्या उसकी आशंका जताई जा रही, इसी गाड़ी से ये मीट आया इस दुकान पर। अभी तो आरोपी मौके से तो पहले ही भाग चुके थे, जब अशोक ने जैसे भी सूचना दी, यहाँ कोई मिला नहीं है फिलहाल, अभी उसको पता करके उनके खिलाफ कानून कार्रवाई, सख्त कानून कार्रवाई अमल में लाई गई।